मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में आने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए रैन बसेरा का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। विभाग की गलत नीतियों के कारण लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद रैन बसेरा के भवन में ताला लटका हुआ है। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है। यात्रियों के ठहरने और वाहन पार्किंग की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी द्वारा सीतापुर की भूमि पे यात्री रैन बसेरा बनवाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए कोई इंतजाम नहीं होने के कारण यात्री दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा धर्मनगरी चित्रकूट में पर्यटन विभाग भी तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। रैन बसेरा का शौचालय भी बंद पड़ा है। यात्री रैन बसेरा का पार्किंग ठेका भी चल रहा है। यात्री बसों से 200 रुपए पार्किंग शुल्क ले रहे हैं, लेकिन रसीद नहीं दी जा रही। पार्किंग के नाम पे इन बसों को रैन बसेरा के सामने सड़क पर खड़ा कराकर बिना रसीद दिए निशुल्क लिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जहां एक ओर मुख्यमंत्री धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं चित्रकूट में पूरी तरह से तैयार रैन बसेरा को यात्रियों के लिए विभागीय अधिकारी नहीं खुलवा रहे। इस संबंध में नगर पालिका सभासद सुशील श्रीवास्तव का कहना है कि नगर पालिका परिषद की गलत नीतियों के कारण रैन बसेरा भवन निष्प्रयोज्य साबित हो रहा है। आने वाली दीपावली मेले से पूर्व हर हाल में इसे शुरू कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने परिसर में वसूले जाने वाले शुल्क को लेकर सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि जो लोग पार्किंग के नाम पे पैसा दे रहे हैं तो संबंधित कर्मचारी से रसीद अवश्य प्राप्त करें। लखनऊ से आए हैं, चित्रकूट धाम में है रैन बसेरा में। यहाँ पे हमारे रैन बसेरे में गाड़ी खड़ी होती है, सवारी लेके आते हैं तो 200 रुपये 12 घंटे के लेते हैं। कौन लेते हैं अब यहाँ पार्किंग वाले लेते हैं साहब, हम तो देखा नहीं, मतलब पार्किंग वाले लेते हैं। तो पार्किंग वाले कुछ व्यवस्था भी किए हैं आपके रुकने के लिए? व्यवस्था कोई नहीं है, पैसा लेते हैं, हमारा यहाँ व्यवस्था कोई नहीं, सोरी घुमा करती है, गोबर की जैसे पड़ा रहता है, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। आप कहाँ पे हैं? चित्रकूट में कहाँ? हम चित्रकूट में हैं, रन बसेरे में है। मेरा नाम है उमा शंकर, लखनऊ से आए हैं। हमारे साथ में लगभग 60-62 आदमी हैं और 60-62 हमारे आदमी हैं, दूसरे तमाम सी गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं इधर उधर गंदगी देख देख करके और परेशान होते हैं। रात में बिस्तर जहाँ भी छाते हैं वहाँ भी गाय और जानवर परेशान करते हैं, चोर चाटा भी परेशान। तो आप कहाँ पड़े हुए हैं? अब हम यही मैदान में पड़े हैं, क्या करें। क्या बोलते हैं इसको, रैन बसेरा? रैन बसेरा बोलते हैं। तो रैन बसेरा क्या है, वही है कि नाम है खाली रैन बसेरा। देखो धर्मशाला जितने हैं गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो नगर पालिका ने बंद कर रखे हैं सब। ये लोग साहब आपके साथ ही पड़े हुए हैं? हाँ, ये हमारे सब साथ ही पड़े हैं। तो जमीन में लेटे हुए हैं सब? लेटे हुए हैं, गोबर गली से पड़ा हुआ, धर्मशाला सब देखो बंद हुए पड़े हैं। गंदगी इतनी है कि हम लोग बसेरा में 2 बार टेंडर निकाला गया कि कोई भी व्यक्ति आकर टेंडर ले ले कमरों के और इसके हाल के, जिससे ये चालू हो सके। 2 बार टेंडर निकाला गया, टेंडर लेने लोग आ नहीं रहे। अब नगर पालिका की व्यवस्था को मानिए या उन ठेकेदारों के अंदर डर है कि व्यवस्था नहीं चल पाएगी, इस तरह टेंडर नहीं ले गए। मैंने इसका विरोध किया था, इसके पहले मैंने इसका विरोध किया था। इतने करोड़ रुपए लगाकर ये सरकारी बिल्डिंग जो तैयार की गई है, इसका न तो एक पैसा ब्याज मिल रहा है न मूलधन मिल रहा है। तो मैं भी आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो तीर्थ स्थल के लोग आते हैं, इनको रहने के लिए रुकने के लिए इनको एक नगर पालिका, ये टेंडर नहीं उठा, नगर पालिका अपने स्तर से इनको कुछ ऐसा उन पर दर लगाए कि उनको भार भी न पड़े और उसकी सुविधा भी ले सके। चित्रकूट से केकेडी न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने लहचूरा बांध से संचालित महोबा जनपद की लाइफलाइन अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया।
रायचूरा में सबसे पहले मुख्य सचिव ने घसान मुख्य नहर को देखा, जिससे हमीरपुर और महोबा जनपद के कई इलाकों की सिंचाई होती है। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल कैबिन का निरीक्षण किया और अधीक्षण अभियंता सिंचाई से अर्जुन सहायक परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने संपूर्ण नहर प्रणाली के बारे में पूछा कि किस किस डैम में कितना कितना पानी दिया जाता है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस नहर से महोबा जिले के कितने हिस्से को कितनी बार सिंचित किया जा सकता है। इसके संबंध में डीएम महोबा सत्येंद्र कुमार ने विस्तृत रूप से अवगत कराया। इस अवसर पे उन्होंने कंट्रोल कैबिन की छत से लहचूरा डैम का विहंगम दृश्य भी देखा और इस जगह की सराहना करते हुए कहा, पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही उत्तम जगह है, इसको विकसित किया जाए। डीएम ने बताया कि इस जगह को पर्यटन हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि लहचूरा पर्यटन स्थल को विकसित कर इसे झांसी ओरछा पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। इस दौरान उन्होंने नमामि गंगे की निर्माणाधीन काशीपुरा पेयजल परियोजना का भी निरीक्षण किया। साथ ही कार्यदायी संस्था को ये निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया जाए और कार्य समय पर पूर्ण हो। निरीक्षण के दौरान SP, SDM नमामि गंगे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। महोबा से KKD न्यूज संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट।